ब्लॉकबस्टर मूवी हनुमान के बाद डायरेक्टर प्रशांत वर्मा फिर से हाजिर होने वाले हैं इस मूवी का सीक्वल यानी जय हनुमान को लेकर। वैसे हमने हनुमान के क्लाइमेक्स में देखा था कि वो रुधिरा मणि टूट जाता है और उसके टूटने से खून की एक बूंद हनुमान यानी हनुमंतु की आंखों में चली जाती है, पर उस बूंद के कारण हनुमंतु ज़्यादा ताकतवर होगा और उस ताकत को पाने के लिए कई सारे दुश्मन खड़े होंगे। पर इस सिनेमैटिक यूनिवर्स को पहले ही अच्छे से कनेक्ट किया गया है। जैसे हनुमान मूवी में अंजना दरी जगह को मेंशन किया गया है तो उसका असल में लॉर्ड हनुमान से कनेक्शन है, क्योंकि कर्नाटका के अंजना दरी में लॉर्ड हनुमान का जन्म हुआ था। जब वो छोटे थे तब सूरज को फल समझकर खाने गए, तभी भगवान इंद्र ने एक व्रज से उन पर वार किया, पर इंद्र का जो शस्त्र था उसी तरह का शस्त्र हम इस सिनेमैटिक यूनिवर्स की अगली मूवी अधीरा के पोस्टर में देखेंगे, यानी ये फिल्म में इंटरकनेक्टेड होने वाली है। खैर, उसके बाद हनुमान जी के खून की एक बूंद नदी में गिरी और वहीं से ये मणि तैयार हुई जो शक्तिशाली था। अब हनुमंतु किसी तरह उस मणि तक पहुँचता है और इनडायरेक्टली उसे हनुमान जी की मदद करता है। जैसे जब मीनाक्षी जिसे हनुमंतु प्यार करता है वो जब जंगल में होती है, फाइट होती है, तो मीनाक्षी का लॉकेट हनुमंतु के हाथ में आया जिसमें बजरंग बली की गदा थी और हनुमंतु पानी में गिरा और तब वो उस मणि तक पहुंचा। पर ये सब डायरेक्टली किसने किया? मूवी में जो विभीषण थे उन्होंने, क्योंकि हनुमंतु तो मीनाक्षी को किसी और डायरेक्शन में ढूंढने जा रहा था, पर इन्होंने ही हनुमंतु को सही दिशा में जाने के लिए कहा ताकि वो उस मणि तक पहुँच पाए। तो जय हनुमान में श्री राम जी ने लॉर्ड हनुमान से एक वचन लिया था जिसे हनुमान जी को पूरा करना है, ये भी दिखाया जाएगा। मतलब जब धरती पर कोई संकट आएगा तब उसे बचाने के लिए भगवान हनुमान को वहाँ आने की ज़रूरत होगी, ये वादा था। तो खैर बाबू, तो आप कितने एक्साइटेड हो इस मूवी को लेकर। हम फिर मिलेंगे, बाय बाय।